कोई नहीं कोई नहीं, कहीं कितने अच्छे से करवाए, ये वाला टमाटर वाला या फिर ये वाला। और अब हमारी नान का मेल जो है तैयार हो चुकी है सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके। हाँ ये नहीं है नान का मेल में, ये है हमारी नान का मेल, मौसी अलग है, बाकी नान का मेल अब देखो अपने बैग वैग पैक करके तैयार हो चुकी है सब। हाँ चले भाई, हो गया डांस पूरा सबका, या और कसर रहेगी तो अभी लगवाती हूँ मैं फिर डीजे दोबारा। ये देखिए लड़की तैयार है सुबह सुबह भी, नहीं तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से रौनक लगाई, बहुत डांस किया इन्होंने भाई, बहुत ज्यादा अच्छा था सर। शोर रेस को ना बड़े ध्यान से देखने में लगा हुआ है। शोरी क्या देख रहा था वो, अक्कल ऐसे बोले ना देखो दिख रहा है। हाँ मैं नहीं लेके जा रहा, चल रहा है मामा, चाहे चल रहा है मामू, शायद घूमी घूमी जाना है, बुलाओ मामा, मामा मामा आवाज लगाओ, आवाज लगाओ मामा को। स्कूटी का दीवाना है ना, स्कूटी को देख रहा है कि स्कूटी बिठा ले कोई, मना वो भी नहीं तो यार लिपड़े पड़े है। ये हाईवे आ गया, अब यहां पे ब्रेकर्स आएंगे उसके बाद भी हाईवे हो जाएगा स्टार्ट, ब्रेकर आएंगे। हां तो ये गाड़ी इनने क्यों चलने लगी, ये मतलब टू वे है क्या, ये टू वे मतलब इधर से भी आ सकती है इधर से भी, नहीं उस साइड से आएगी नहीं, वो उस साइड में आएगी, अपन चल सकते हैं। हां ये दीपू की गाड़ी आ गई, अब मतलब वो गाड़ियां उधर से हैं अपने। हाँ। जाने जाने का है। हाँ अब जाने जाने का सिर्फ। ओए होए ज्यादा धुन दे तो को सकते, इतनी तो मैंने देखी ही नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इसीलिए तो वो होते हैं बेचारे, अब रोड एक्सीडेंट है ऐसे में तो अगर वन वे हो। हाँ हाँ। तो फिर तो क्या कर सके, कोई की मना कर सके, दिखे को नहीं। हाँ इसलिए शांति से चलो, अब तो इसका पीछे रखोगे। ये भाई अब हम जाने में लगे हुए हैं कहाँ, ये अभी मैं आप लोगों को कैमरे को फ्लिप करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दिखा रहा था आप लोगों को कि भाई धुन देखो, ये आगे थार चलने में लगी हुई है, इसलिए हमें रोड का पता लग रहा है, नहीं तो टोटली ऐसा हो रखा है तकड़े वाली धुंध, और जिसका मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है 1% का भी, पता ही लग रहा साइड में खेत है कि बादल नहीं लगा, बादलों में चल। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ पूजा जी, यहाँ मेरी पोती, इन्हें पोती कुछ बोल नहीं रही है अभी तक, हेलो रे हाय हेलो नहीं करी है, शर्मा रही है थोड़ी, और पीछे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जिनके नाम आप लोगों को पता ही है क्योंकि पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वहाँ पता लग जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं इन बच्चों को वापस घर पे ड्रॉप करने के लिए, और चलो चलते हैं क्योंकि गाड़ी पे फोकस करना जरूरी है इस वक्त। और ये सोनिया और गाड़ी मोड़ लिया, ये गाड़ी मोड़ते हो भाई, इनकी गाड़ी मोड़ रही है, तो सोनिया अपने जो भी लड़कियां थी उनको छोड़ आई और प्लस सबके घर में जाके आई है ना, कितने घर है मुझे पता, 18 घर है, मतलब एक एक मिनट और हम गाड़ी से नहीं उतरे, ठंड बहुत है। हाँ चलो अब चलो तरफ। ये देखो चोरी भाई कर रहा है, सीधा चलो सीधा। अच्छा बड़ी उच्ची उच्ची गाड़ी में बैठी है, ज्यादा उच्ची बात है तेरी, उच्ची बात है। अब भाई इसने अभी बैठने से पहले कौन सा गाना था, वो गाना क्या मिट्टी दिना पीछे गांव में। हाँ तो मैंने कहा मैं जुत्ती झाड़ के चढ़ी मुटिया रे गड्डी है शॉपिंग जट दी, जुत्ती झाड़ के चढ़वाया इसने। ओके नाइस, चलो चलो चलो। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। बस बाय सोनी, बाय बाय। फाइनली इतने टाइम के बाद सोनिया मेरे साथ ऐसे गाड़ी में आके बैठी है, नहीं तो भाई के साथ ही पूरा
गाड़ी में आगे बैठना। और शौरी ओए क्या चल रहा है तेरा? देखो ये मजे हो गए, यूके में जाके नहीं बैठेगा इसे, यूके में जाके तेरी सीट होगी, कार सीट, उसमें बैठना। ये इंडिया के मजे हैं जो तू स्टेयरिंग चला रहा है। आप फाटक में रुके हुए इसलिए इतना फ्री है। हाँ फाटक में रुके हुए, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये फाटक है जो बंद हो चुका है, लेकिन ये जो बाइक वाले है ना मान नहीं रहे, देख लो देख लो, रिस्क लेके अपनी लाइफ पे चलने में लगे हैं। ट्रेन आई है? ट्रेन दिखी नहीं, दिखी तो नहीं, तो रुके किस लिए? अच्छा वो उधर से वो आया था दूसरा, ये देख लो भाई। लेकिन कई कितने बेवकूफ होते हैं कि ट्रेन बिल्कुल ऐसे सामने है उसके। आजा, आजा, आजा। क्या आया? अभी फाटक बंद है, एक ट्रेन जा चुकी है लेकिन अभी भी उन्होंने खोला नहीं है, तो शायद एक और ट्रेन आती होगी, जब तक वेट कर रहे हैं। ये देखो धीरे धीरे करता करता स्पेस बना के पूरा वहां बैठ के जो बाहर है बाइक पे उन भैया से बात कर रहे हैं जबरदस्ती। देखो देखो जबरदस्ती सबसे बात गोदी ले ले, उन्होंने बोला आ जा गोदी ले ले, इन्हें हाथ कर दिया बाहर की तरफ की हाँ ले लो बिठाने का। गाड़ी में बिठा ले, बोलो आजा आजा आजा। अरे वो फाटक खोलनी है, सो गए मल्ला का। अरे दूसरी गाड़ी आ रही होगी ना कोई। शौरी आप इतने अच्छे से फिट हो गए हैं। शौरी रुक रुक जगह बनाना, तो क्या करा आप सही हो गए, अब आराम से बैठ गए। ओ पी पी ओ ओ चौबी वो कर रहा है वहां से, मत सीख नाना नहीं खोलना, क्यों गए खेल खेल दे। हेलो रुक 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 सिनेमैटिक। और यहाँ हमारी रसोई में हमारी दुल्हन की आज पहली रसोई है, तो क्या बना रहे? हलवा, हलवा बना रही है दुल्हन, और वहाँ पे दीदी है दोनों रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। दीदी चुप क्यों रहे हो? पहले तो बोले कि वीडियो बनाओ और अब पीछे चुप के दुल्हन के हैं। चम्मच पड़ी ले लो। नहीं नहीं बोरी, मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा वो होना स्टार्ट होगा तो ठीक है। आराम से, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से बना लो। मम्मी से बनवा लो, हाथ लगा देना बस। नहीं नहीं मैं खुद ही बना लूंगी, इसकी प्रैक्टिस मैं करके आई हूँ। दुल्हन से ज्यादा शायद हम कॉन्शियस हो रखे हैं कि लाओ बना देते। नहीं नहीं इतना बुरा नहीं बनता। नहीं नहीं अच्छा बनाओगे, वो कोई वो नहीं है, लेकिन प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी इस चीज का। नहीं नहीं कोई प्रेशर नहीं है, आराम से बनाओ। थोड़ा सा वो खा के चाहिए था। नहीं आराम से बना लो, कोई मैं कुछ काम करूं। एक आज हम आगे आगे आपको कर रहे हैं, फिर हम आए तब करना आज के बाद। नहीं रात को खाना हमें भाभी ने खिलाया था। नहीं आज नहीं बंद कर दिया ना, अभी डाल रही हूँ दीदी। और यहाँ पे ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट मीठा तैयार हो गया है, हलवा बनाया दुल्हन ने, और अभी भोग के लिए निकाल रहे हैं, तो उधर अभी भोग लगाने जा रहे हैं। गुपचुप गुपचुप बातें हो रही है इधर किचन में खड़े हो गए, गुपचुप गुपचुप लगे हुए हैं। और यहाँ पे राजीव के जाने की तैयारी हो रही है, राजीव जा रहे हैं वापस दादरी, तो उनकी आरती वारती की तैयारी। हाँ बुआ जी को एक बार बोल दो, ऐसी स्पीड पकड़ती है बुआ जी। बुआ जी का नया वर्जन देखा है इस बार राजीव ने, थी कभी बात नहीं हुई थी, इस बार बात हुई है राजीव से अच्छे से। अच्छा फोटो उतारू भाभी कर रहे हैं, ठीक है तो भैया उधर मजाक कर रहे हैं कि कैश क्यों चल रहा है भाई, हम अगली बार से पेटीएम देंगे, तो राजीव कहते हैं मशीन ले आऊंगा अगली बार। अभी रखते हैं वो कोड को, नहीं हो कोड बनवा के रखूंगा।
दिख रहा है भैया सांगवान साहब, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना है, बोले लो पेटीएम से करोगे तो हम पेटीएम वाला काम भी कर देंगे। पठानी बिल्कुल नाखून को देनी हूँ टेंशन मत लो, आपको इतना हार्म नहीं करेंगे। क्या दुख है आपके? ऑलरेडी है एक में तो कोई नहीं कोई नहीं। कितने अच्छे से करवाया टीका अब इसने। हाँ पूरा ही दिन हाँ बस रहा है मेरा। मम्मी ने ये काम की चीज थी मेरा, इसे पता है और कुछ नहीं मिलेगा इसलिए उसको दिखा रहा पहले। अंधी कितने ध्यान से देख रहे थे सेम से। अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? ओ क्या निकाल रहे हैं? तो बाकी कोई पैदाने के बाद निकलवाता नहीं। और राजीव को हम पूरा अच्छे से बाहर तक छोड़ने आए हैं कि कहीं वापस ना मुड़ लें, तो इसलिए हम बिठा के अब बस है राजीव वापस नहीं, पूरा बिठा के हम पूरा वो करके जाएंगे कंफर्म करके कि बंदा हाँ गाड़ी चल चुकी है। तो हमारी भी अभी एक दो दिन बाद वापसी है, राजीव अभी जा रहे हैं। बाय यशिका कहाँ है? यशिका कहाँ है? चलो ठीक है ओके बाय। शोरी देखी तो मैं निकल चुका हूँ घर से क्योंकि मैं जा रहा हूँ दादरी वापस, और काफी मजा आया, शादी वादी काफी इंजॉय करी, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे ही किस तरह से हम इंजॉय करने में लगे हुए थे, और मतलब मजा तो आता ही है लेकिन जब वो इतने दिन तक आप सो नहीं पाते ना तो टायर्डनेस भी होती है, तो आज वो टायर्डनेस काफी फील हो रही है, पैरों में भी लग रही है। चलो चलते हैं दादरी की तरफ और फिर आपसे बात करते हैं, रास्ते में दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ किस सिटी में बताऊँ, भिवानी। जो भी भिवानी से है प्लीज डू कमेंट बिलो, नीचे कमेंट करके बताओ, अपनी प्रेजेंस दो कि भिवानी से आप लोग। ये है भिवानी की सड़कें, ठीक है आगे दिखाता हूँ शहर। ये रास्ता कितना प्यारा है, दादरी और भिवानी के बीच का रास्ता है, भिवानी से दादरी जाओ तो खेतों में सरसों इतनी सही लग रही है ना, और रोड साइड ये जो इन्होंने फूल लगा रखे है ना ये अभी थोड़े छोटे हैं, जब बड़े हो जाए ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छा रास्ता है। और ये पहुंच गया हूँ भाई घर पे, गाड़ी खड़ी कर दी वहां, यहाँ पे और मिट्टी डलवाई थी। ओहो ये तो चेंज ही हो गया, और मिट्टी डलने के बाद ऊंचा ऊंचा हो गया, सही हो गया। तो और यहाँ पे मदर जी कैसे हो, क्या हाल है? क्या कर रही थी, सुती थी? वो मुस्कुरा रही थी किसी ने। इब्बा इब्बा भी सा गई इब्बा सा। अच्छा बनाते हैं सूप भाई, आज काफी दिन हो गए सूप नहीं पिया, कौन सा पिया होगी, ये वाला टमाटर वाला या फिर ये वाला हॉट एंड सॉर कप सूप के है सीजनल। अच्छा इसमें भी है टमाटर है कैरेट है किक ऑफ चिल्ली, ये वाला पीना है, चिल्ली चाहिए तो ना है चिल्ली, चिल्ली फ्लेवर चाहिए, चिल्ली है थोड़ी सी तो या। अच्छा ये चला, अच्छा आप उस मोटर के साथ भी चला सकते हैं, प्रेशर कौन ले किमें चला तो भाई, ये मिठाई पापा लेके आए थे ठीक है, पूरी 5 किलो वाली थी देख लो, अभी भी इतनी, ये अभी भी इतनी नहीं, ये तो निकाल इसमें से बर्फी निकाल के अलग रख दी, ब्लेम बर्फी अलग क्यों धरी इतनी बर्फी भरा है पतीला, ये बर्फी बर्फी तरह खानी से है दूसरी दूसरी तो मतलब को नहीं, लड्डू लड्डू तो इसमें 3-4 से लड्डू ज्यादा नहीं थे है ना,
खुरमे खारमे वो सही है। लड्डू चार और एक में ये है लड्डू चार ही थे ये सही है, नहीं तो लोग लड्डू भरते देखे इसमें लड्डू ना भरेगा नहीं। हाँ सोलह से और ये देख बर्फी बर्फी एक डब्बा और लिया है मैं तो 7 किलो मिठाई हो गया तो खत्म तो नहीं हो गया। नहीं बोली ऊपर वाली तो जनरली लोग क्योंकि लड्डू लड्डू डाल के देते हैं ना इसलिए। और यहाँ पे भाई मम्मी बना रही है घी देसी घी होममेड घी बनने में लगा यहाँ पे। तो ये हमारे योग गुरु रिसालो देवी लगी हुई है अलोम विलोम करने में। और आज हमारा बना है बेस्ट खाना काफी टाइम के बाद खिचड़ी क्योंकि ब्याह शादी में खा खा के कोई नहीं खाना वाना खाने के बाद अब हो चुका है। बाहर घूम के आया था मैं मौसी के यहाँ जा रहा था, मम्मी ने रोक दिया, मम्मी ने बोली कि मौसी के अब रात होगी, रात को मत निकल, रात को पता नहीं चौराया है वो है इधर। तो फिर मैं गया नहीं, मैंने कहा चल सुबह जाएंगे मौसी से मिलने। और फिर हमने ये भी है कि भाई अब मेरी एक दो कॉल भी थी मैंने वो भी अटेंड करके फिनिश कर दी। तो यही था आज के इस व्लॉग में, आई होप आप लोग को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में ऐसा कुछ जो था नेचुरल वही दिखाया, रास्ते में आया रास्ते की इतनी बनाई मैंने। और कल मौसी को और मम्मी को देखते हैं आस पास कहीं, हमारे यहाँ पूजा होती है एक जगह जनरली। फिर आप कहोगे यार भैया आप तो जब भी हो ना मम्मी और मौसी के साथ जाते हो तो कहीं पूजा करने ही जाते हो। पिछली बार भी अभी पीर बाबा से दोनों आप ही तीनों गया था ना भाई, हमारी इकट्ठी पूजा लग गई तो पूजा इकट्ठी करया हूं, एक ही देवता है हमारे, एक ही देवता है और मौसी और मम्मी दोनों, हमारी पूजा होती है। हाँ तो हमारा सही रहता है। तो यही था गाइस इस व्लॉग में, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।